हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील बगले, फिजियोथेरेपिस्ट। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो का थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज का मेरा ये वीडियो किस टॉपिक को लेकर है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने भी कमेंट किया था कि उसको रनिंग करने के बाद काफ में बहुत ज़्यादा टाइटनेस आ जाती है, तो उसके लिए कुछ सॉल्यूशन बताएं। तो मैंने सोचा आज इसके लिए वीडियो बनाना चाहिए। तो आज मैं आपको इसी से रिलेटेड कुछ सिंपल एक्सरसाइज बताऊंगा जिनको करके आप अपने टाइट काफ को रिलीज कर सकते हैं और साथ ही साथ आप काफ पेन में भी इंप्रूवमेंट पा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। बट स्टार्ट करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूले ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे। फ्रेंड्स, फर्स्ट एक्सरसाइज में सबसे पहले आपको इस तरीके से बैठ जाना है और आप अपनी काफ को फील करेंगे बहुत ज्यादा टाइटनेस जहां पर आपको फील होती है वहां पर अपने थंब को इस तरीके से ले करके प्रेस करते हुए इस तरीके से चलाना है। आपको अपनी मसल्स को सबसे पहले रिलीज करना है। सेल्फ आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। इसे आपको दोनों पैरों में करना अगर आपकी दोनों काफ मसल्स टाइट है तो। एक से दो मिनट इसको प्रेस करने के बाद में आप ऑयल का यूज करें या जेल का यूज करें, नॉर्मली आपको अपने काफ में इस तरीके से लगा लेना है। लगाने के बाद अपने थंब की सहायता से इसको इस तरीके से ऊपर की तरफ अपने थंब को लेकर आना है। आप साइड से देख सकते हैं, अगर आपको लेटरल काफ को रिलीज करना है तो आप हल्का सा ऑयल लगाएं और ऑयल लगाने के बाद में आप अपने थंब से इस तरीके से इसको रिलीज करते हुए लेकर आएं। इसे आप एक से दो मिनट तक करें। हर एक मसल्स बैली को आप 10-10 टाइम भी रिलीज कर सकते हैं जिन लोगों को क्रोनिक काफ पेन की प्रॉब्लम है या क्रोनिक टाइटनेस है। इसको करने से आपकी काफ मसल्स थोड़ी रिलीज हो जाएगी। रिलीज होने के बाद सेकेंड एक्सरसाइज में आप इस तरीके से बेल्ट ले सकते हैं। बेल्ट या टॉवेल या दुपट्टे का भी आप यूज कर सकते हैं। इसको इस तरीके से पंजे में फिक्स करना है और अपने हाथों की सहायता से इसको जितना हो सके स्ट्रेच करना है। आपको अपने काफ में स्ट्रेच फील होगा। इसे 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 देन रिलैक्स अगेन। इसको इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे, 10 सेकेंड इसे होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। इसे आप 10 टाइम रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको टेनिस की बॉल लेना है। ये टेनिस की बॉल नहीं, स्माइली बॉल है। ये सिर्फ मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूं कि इस तरीके से टेनिस की हार्ड बॉल लेना है। उस बॉल को लेकर के आपको अपने काफ में इस तरीके से यहाँ पे प्लेस करना है और अपने हाथों की सहायता से हल्का सा आप ऊपर उठेंगे और काफ को पूरा रिलीज करते हुए इस पे इस तरीके से रोल करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको टेनिस की बॉल पे रोल करना है जिससे आपकी काफ मसल्स रिलीज हो जाएगी। इसके साथ ही साथ अगर आपके पास इस तरीके का फॉर्म रोलर है या आप ऑनलाइन भी बुला सकते हैं इस तरीके से, इससे आपको एक्सरसाइज करना हो तो आप इस तरीके से सेम ऐसे ही प्लेस करेंगे बॉल की तरह और इस पे भी आपको इस तरीके से अपनी काफ को रोल करना है दोनों साइड से। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप इस तरीके का हार्ड पिलो ले सकते हैं या फिर आप स्टूल भी ले सकते हैं। आप हाइट देख सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। या फिर आपके घर में सीढ़ियाँ हैं तो सीढ़ियों पे भी इस एक्सरसाइज को किया जा सकता है। इसमें आपको इस तरीके से खड़े होना है, आप वीडियो में देख सकते हैं। आपको इस तरीके से एक पैर पे खड़े होना है, आपको अपने काफ में काफ़ी स्ट्रेच फील होगा। इसे आप 5-10 सेकेंड होल्ड करें और फिर रिलैक्स अगेन। इस तरीके से आप देख सकते हैं अपने पंजे का आगे वाला हिस्सा है, सिर्फ इसी को आपको प्लेस करना है और एड़ी वाला जो हिस्सा है आपका बिल्कुल फ्री रहेगा। एक पैर पे इस पे खड़े होना है, आपके काफ में पूरा स्ट्रेच फील होगा। 10 सेकंड इसे होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसमें आपको इस तरीके से लेट जाना है और इसमें ध्यान रखना है आपको अपने पंजे के बल इस तरीके से एक पैर पे रखना है और आपका अपोजिट वाला जो पैर है वो आपके काफ के ऊपर इस तरीके से रहेगा और आपको अपने पंजे का मूवमेंट करना है इस तरीके से। आप देख सकते हैं आगे पीछे आपको इसमें काफ में काफ़ी स्ट्रेच फील होगा। इसे आप 5-10 रिपीटेशन करें। जिन लोगों को ज़्यादा करने में प्रॉब्लम है वो 2-3 रिपीटेशन भी कर सकते हैं और उसके बाद रिलैक्स। इससे भी आपकी टाइट काफ मसल्स को रिलीज करने में बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इस तरीके से खड़े हो जाना है, अपने पंजे को वॉल पे इस तरीके से प्लेस करना है और हल्का सा आपको आगे की तरफ झुकना है। आपको अपने काफ में काफ़ी स्ट्रेच फील होगा। ऐसे कि ऐसे आपको अपोजिट साइड से भी करना है। इस तरीके से अपने पंजे को वॉल पर प्रेस करेंगे और आगे की तरफ आपको झुकना है वॉल की साइड। आपको ऑटोमेटिक आपके काफ में स्ट्रेच फील होगा। 10 सेकंड इसे होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। नेक्स्ट आप इस तरीके से खड़े हो सकते हैं वॉल या चेयर के सपोर्ट से। अपने एक पैर पर आपको खड़े होना, दूसरा वाला पैर आपको इस तरीके से काफ पर प्लेस करना है और अब आपको अपनी बॉडी को पंजे के ऊपर उठाना है इस तरीके से।
इसमें रिपीटेशन आपको लगाना है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे किए। ऐसे आप अपोजिट साइड से भी कर सकते हैं, आपको इस पैर पर खड़े होना है तो अपोजिट पैर को आपको इस तरीके से यहां पर प्लेस करना होगा। अब आप इस पैर से उठेंगे, इसे भी आप 5 या 10 रिपीटेशन लगा सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स काफ पेन को ठीक करने के लिए सिंपल एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा और ये जानकारी भी आपको समझ में आई होगी। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें ताकि मुझे और ज़्यादा प्रेरणा मिले आप लोगों के लिए इसी तरीके से हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के वीडियो लेकर आने का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।